दादा ये आप क्या कर रहे हैं? इसकी इच्छा पूरी कर रहा हूं। हालात सुधारने का बहुत शौक है ना तुझे, तो आ मेरे पैर धोकर पानी पी। माफ कर दूंगा मैं तेरी बीवी को। तू पूरा पागल हो गया क्या? फिल्मी ड्रामा का इतना ही शौक है तो मैं तेरे लिए फिल्म प्रोड्यूस करता है, वहां जाके अपने नौटंकी कर। रियल लाइफ में ऐसा नौटंकी नहीं होता। चल नौटंकी ही सही, अभी तूने छाती ठोक के कहा था ना कि पल्लवी के लिए कुछ भी करेगा, तो कर। रियल लाइफ में ऐसी नौटंकी कर। ऐसे कहीं कहा जा सकता है ये सनी? मुझे फोन भी नहीं किया इसने। हाँ होगा, किससे फोन करूं, किससे पूछूं? राइट, रॉकी को फोन करके पूछती हूँ। हेलो, तुम्हें सनी के बारे में कुछ पता चला? नहीं कीर्ति, मैं भी सनी का फोन ट्राई कर रहा हूँ पर उसका फोन ऑफ आ रहा है। ओके, थैंक यू। बहुत देखे तेरे जैसे डिंगे मारने वाले। तू अपने सगे माँ बाप के लिए कुछ ना करे, पल्लवी के लिए क्या खाक करेगा? ए संकी बुड्ढे, औकात में रहने का, माँ बाप के बारे में कुछ भी मत बोल वरना। क्यों? तू जैसी औलाद पैदा करके इंसानियत के लिए जो पाप खड़ा किया उन्होंने, उसके लिए दुनिया की गालियां तो सुननी ही पड़ेगी उन्हें। मैं तेरे इसी गुस्से और घमंड को खत्म करना चाहता हूं, घुटने पर लाना चाहता हूं मैं तुझे। इस गरीब की ताकत दिखाना चाहता हूं मैं तुझे, अपने कदमों में गिरा के हाथ फैला के पल्लवी के लिए माफी की भीख मंगवाना चाहता हूं मैं तुझसे। मेरे पैर धोकर वो पानी पीकर अपने घमंड की आग बुझाने राघव राव, मैं वादा करता हूं पल्लवी को वापस ले आऊंगा। क्या हुआ राघव राव? मेरी शर्त सुनकर सारा जोश गायब हो गया? तेरा ईगो इतना बड़ा है राघव कि तू आदमी को मरने के लिए छोड़ सकता है पर अपना सर नहीं चुका सकता। This is not fair, काका। राघव से आप ऐसा नहीं करा सकते हो। गप्पा मत अमृता, जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब सारे दावे फीके पड़ चुके हैं तुम्हारे, तो चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो उसी कमरे में बंद रहो जिसका तुमने किराया भरा है। मेरे सामने मत आना।
जाके चेयर पे बैठ। घूर क्या रहा है, जाके बैठ। राघव तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। दादा ये सब क्या चल रहा है, दामाद है वो हमारा। मिलीन, आज तू कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हारा पति रिश्ता जोड़ने आया था यहाँ, ये उसी की शुरुआत थी। ऐसे भूल गए हैं क्या आप, इस परिवार का दामाद है वो। वो कुछ नहीं है मेरा। आपका कोई रिश्ता हो ना हो, लेकिन किसी इंसान से ऐसी घटिया हरकत कराते हुए आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? इतना नीचे कैसे गिर गए आप बाबा? अपनी जबान को लगाम दो पल्लवी। पहले आप अपनी हरकतों पे लगाम कसिए। बाबा मानती थी मैं आपको, मगर आप तो ससुर कहलाने के लायक भी नहीं है। पल्लवी। विजय देशमुख। शर्मिंदा हूं मैं आज खुद पर कि आपके साथ कभी मेरा कोई रिश्ता था। आपका गुस्सा एक हद तक ही जायज है, उसके बाद नहीं। मेरे प्यार और मेरे भरोसे का फायदा उठाकर मेरे पति की इज्जत नहीं उछाल सकते आप। बेवकूफ है ये आदमी, देख क्या रहे हो? सही कह रही हूं मैं, राघव राव हो तुम, और राघव राव टूट सकता है मगर कभी झुक नहीं सकता। और किसके लिए झुक रहे हो तुम? इनके लिए, इस परिवार के सामने, जिन्हें ना रिश्तों की कदर है और ना इंसानियत की। मैं अपने परिवार के खिलाफ
एक शब्द नहीं सुनूंगा पल्लवी। मगर आज सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपके परिवार में धोखेबाज, चोर और झूठे लोगों की कमी नहीं है। I'm sorry काका, मैं ये बात बाहर नहीं निकालना चाहती थी, पर सच ये है मिस्टर देशमुख कि राघव ने आपको चोरी के इल्जाम में नहीं फंसाया, वो सब सुलोचना काकू ने किया था। झूठ बोल रही है ये, इसके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं रहता तो बस आते से ही सीधे मुझ पर इल्जाम लगा दिया। आप तो जानते हैं ना दादा, मैं यहाँ थी भी नहीं, मैं तो कोल्हापुर गई थी, मेरे दादा का ऑपरेशन था। पल्लवी इसके बारे में क्यों बात कर रहा है, ये सब छोड़ दो। नहीं राघव, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर ये एक मिट्टी के ढेर में अपना सर छुपाकर सच को अनदेखा करना चाहते तो ऐसा नहीं होगा। मैं इन्हें आईना दिखाऊंगी और इन्हें देखना होगा। अब्दुल चाचा को तो पहचानते हैं ना आप बाबा, जाकर पूछिए उनसे। आदमियों के कपड़े, दाढ़ी और मूछ काकू ने रेंट पर लिए थे उनसे। कोई कोल्हापुर नहीं गई थी ये यहीं थी हैदराबाद में, और ये सारा कांड कर रही थी। ये कुत्ते की वो दुम है जिसे सालों साल पाइप में रखो ना, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती। सुलोचना, गिरने की और कितनी हदें पार करोगी तुम? इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जो कभी नहीं बदलती, और वो है बदलाव खुद। राघव भी बदल गया है, माना उसने पहले बहुत गलतियां की है, लेकिन अब वो जो कुछ भी कर रहा है इस परिवार की भलाई के लिए कर रहा है। एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात पर गौर कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है, और तब तक आपको या इस परिवार में से किसी को भी कोई हक नहीं है कि मेरे पति को ऐसे बेइज्जत करे। चलो राघव, और एक चीज, इस घर में सिर्फ दो ही लोग मेरे अपने हैं, मेरी आई और मेरे काका, और इनसे मिलने के लिए मैं जब चाहूं जैसे चाहूं आ सकती हूं, और मुझे कोई रोक नहीं सकता। आप भी नहीं। और रही बात बाकी लोगों की, तो आप सबसे भी खुलकर बोल देती हूं, मुझे आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना, ये परिवार मेरे प्यार और परवाह के लायक ही नहीं है। मुझे पल्लवी देशमुख नहीं बनना, मैं खुश हूं पल्लवी राघव राव बनकर। अर्थमहिंदा,
पल्लवी, तुम उस बड़ा बिंदी का नाम क्यों लिया? मैंने उससे डील किया था, वो तुम्हारे बाबा के सामने तुम्हारा नाम क्लियर करने वाला था। सब कुछ गड़बड़ हो गया, दोबारा उनके घर जाके सब। किसने बोला था मेरे घर जाने के लिए? बिना तुम्हारे घर के मैं अपना प्रॉमिस कैसे कंप्लीट करूंगा? किसने बोला था प्रॉमिस पूरा करने के लिए? वो प्रॉपर्टी पेपर वाले मैटर के टाइम मैंने तुम्हें बोल दिया था ना, मुझे नहीं चाहिए वो फैमिली, फिर क्यों गए महान बनने के लिए? अरे दिमाग क्या घर पर छोड़कर गए थे तुम? मेरे बाबा के ऐसे भाई अच्छा मान भी कैसे सकते हो तुम? सब कुछ खुद डिसाइड करने का ठेका ले रखा है ना तुमने, किसी और का ओपिनियन तो मैटर ही नहीं करता है तुम्हारे लिए। अरे मेरी लाइफ है, मेरी फैमिली है, मुझे भी तो कुछ तय करने दो। पर नहीं, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को आग लगा के चले गए ट्रेजेडी किंग बनने। पता नहीं खुद को क्या है, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैम वो मैं डिनर का मेनू पूछने आया। हाँ तो फिर पूछो ना, खा नहीं जाऊंगी तुम्हें। वो मैं क्या वो मैं, अब तुम पूछोगे नहीं तो डिनर लेट बनेगा, फिर अम्मा डिनर लेट करेंगी, उनकी दवाइयों के लिए लेट हो जाएगा, उनका एक पूरा साइकिल है, जरा सा भी ब्रेक हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सांभर राइस, सांभर राइस बना। अप्पम भी बना दे। जी मैडम। लवी, सनी ना अपने घर पर है ना ही वो मेरा फोन उठा रहा है। जब से राघव उसके घर गया ना तब से वो गायब है, और इन सबकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर राघव ने उसके साथ कुछ गलत भी इनफ की थी, बहुत हो गया ये राघव। राघव अपने प्यार के फेरी लैंड से बाहर निकलकर जरा दुनिया में देखो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें भागने का प्रॉमिस करके अगर खुद भाग गया तो प्रॉब्लम उसमें है, राघव में नहीं। तुम्हारे दिमाग में ये जो टॉर्चरस राघव का फिल्टर चिपका हुआ है ना, उसे निकाल कर फेंको और ये सोचो कि तुम्हारा सनी तुम्हें छोड़कर क्यों भाग गया। तुम्हारी हर गलत चीज के लिए राघव जिम्मेदार नहीं है, शायद तुम्हारे कुछ गलत फैसलों की वजह से आज तुम्हारा ये हाल है। अन्ना, ये भाभी को क्या हो गया आज? तेरी भाभी के अंदर भूत चढ़ गया है, आज सबका क्लास लगाने वाला है। किधर गया ये आइटम बम? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तुम ठीक है कि नहीं चेक करने आया। नहीं हूं मैं ठीक, बिल्कुल ठीक नहीं हूं। पल्लवी क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर। वो तो अच्छा हुआ कि काका ने मुझे फोन करके बुला लिया, वरना बाबा राघव, तुम्हें मुझे मेरी फैमिली से मिलाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें शिकायत थी ना इस बात से कि कोई तुम्हें अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाता, कोई तुम्हें इंपॉर्टेंट फील नहीं करवाता, तो लो बन गए तुम मेरी प्रायोरिटी। अपनी फैमिली को छोड़कर तुम्हें चूज कर रही हूं मैं। जो आपसे कदर ये मुझको मिल गई है, बाकी सबके लेकिन आइंदा ऐसा कभी मत करना। एक विधवा थी मैं, कई बार लोगों ने मेरी उस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की है, मुझे चिढ़ होती थी इस बात से, इसलिए मैंने लोगों के सामने कमजोर पड़ना बंद कर दिया। तुम लोगों के सामने ज्यादा झुकोगे ना तो डोरमैट बनाकर रख देंगे तुम्हें वो। Stop
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।